नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की चटपटी खबरों के बारे में। पहली खबर के बारे में बात करें तो पहली खबर है, यश कुमार ने गर्लफ्रेंड निधि झा को प्यारे अंदाज में किया बर्थडे विश, अपने बेटे को दिया उनका परफेक्ट तोहफा। जी हम आपको बता दें, भोजपुरी की लुलिया यानी कि निधि झा 33 साल की हो गई हैं। उनका जन्म 13 अक्टूबर 1988 को हुआ था। उनके जन्मदिन के मौके पर बॉयफ्रेंड यश कुमार ने उनके लिए प्यारा सा नोट लिखा है और उनका पसंदीदा तोहफा देकर बर्थडे विश किया है। आपको बता दें, फोटोज को शेयर करने के साथ ही एक्टर यश ने लिखा है, प्यारी निको, आपके जन्मदिन पर एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, आपकी फेवरेट गाड़ी थार। महादेव आपको दुनिया की हर खुशी दे, दिल के गहराइयों से आपके लिए बहुत सारा प्यार, लव यू बच्चा। बढ़ते हैं अगली खबर, शिल्पा राज का जमुरा हुआ रिलीज। एक्ट्रेस तोशी द्विवेदी ने नौटंकी वाली बन लूटी महफिल। जी हम आपको बता दें, भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज का गाना जमुरा रिलीज किया जा चुका है। इसमें एक्ट्रेस तोशी द्विवेदी बतौर लीड हीरोइन नजर आ रही हैं। उनका वीडियो वायरल हो रहा है, इसे दर्शकों से काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। एक स्पेशल गाना जमुरा का वीडियो यूट्यूब पर जारी कर दिया गया है। ये एक मेला स्पेशल है। इसमें एक्ट्रेस तोशी द्विवेदी ने नौटंकी वाली बनकर महफिल ही लूट ली है। गाने में हंगामा मच रखा है, उसे कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज मिल चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर में, दिस स्टार से छोरा गवार बने समर सिंह। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने दिया जोड़ का झटका। जी हम आपको बता दें, सिंगर समर सिंह अपनी अदायगी और गायकी के लिए जाने जाते हैं। उनकी और आकांक्षा दुबे की जोड़ी हिट जोड़ियों में से एक है। दोनों कलाकार जब भी साथ में आते हैं तो धमाल ही मच जाता है। ऐसे में अब उनका एक म्यूजिक वीडियो जो है छोरा गवार रिलीज किया जा चुका है। उनके इस गाने को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, कुम्हार के चाप पर मिट्टी के बर्तन बनाते दिखे रवि किशन, हो रही है जमकर तारीफ, एक बोला जियो बाघ मेरा। जी हम आपको बता दें, भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने इंस्टाग्राम पर कुम्हार के चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते हुए वीडियो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद दर्शक उनके इस सराहनीय कार्य को जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनके इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि गोरखपुर के सांसद रवि किशन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म चोरी चौड़ा की घटना पर आधारित की शूटिंग में बिजी हैं। इसके इस शूटिंग जो है वो गोरखपुर में की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, पंजाबी फिल्म्स, मलयालम फिल्म्स जैसी मूवीज के लिए संगीत क्रिएट करने वाले म्यूजिशियन टीनू अरोड़ा का निवेदिता चंदेल अभिनेती गाना जो है बाकी सब ठीक है रिलीज किया जा चुका है। इसे दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। उनका म्यूजिक वीडियो जो है वो छाया हुआ है। सॉन्ग को बड़े पैमाने पर फिल्माया गया है। एक्ट्रेस की केमिस्ट्री तो इसमें कमाल की लग रही है। तो भोजपुरी तड़का में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।